हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा कुबल। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज मैं आपको बघार राइस की रेसिपी बताऊंगी। ये रेसिपी करने के लिए एकदम इजी है। जब चिकन और मटन की रेसिपी हो तो उसके साथ ये राइस ज़्यादा अच्छा लगता है। चिकन की रेसिपी तो आपको मैंने बताई है। चलो आओ आज हम राइस की रेसिपी देख ही लेते हैं। सबसे पहले हमें राइस को धोकर भीगने के लिए रख देना है। मैंने यहाँ पर 2.5 कटोरी चावल लिया है। मैंने ये चावल जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो ही वाले लिए हैं। वैसे ये कोलम राइस है, आप अगर चाहो तो ये बासमती राइस में भी बना सकते हैं। मैंने राइस बनाने के लिए यहाँ पे कुकर लिया है, उसमें 2 टीस्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होते ही मैंने उसमें 1 तेज़पत्ता तोड़कर डाला है और 3 हरी मिर्च को इस तरह लंबा काटकर उसमें डाल रही हूँ। इसे तेल पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मैंने 1/4 टीस्पून इसमें हींग ऐड किया है। हींग को फ्राई होते ही इसमें 1 प्याज को लंबा काटकर डाल देना है। अब स्लो टू मीडियम गैस पर ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक इसका कलर इस तरह ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें फ्राई करना है। जैसे प्याज को ब्राउन कलर आ जाता है उसमें 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की है। इस पेस्ट को भी हमें अच्छे से प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। अब ये चीज़ें फ्राई होने के बाद में इसमें थोड़ा पुदीना और धनिया बारीक काट कर डालना है। बस इसे हल्का सा हिलाकर अब इसमें हमें चावल जो धोकर पानी निकाल कर रखा है उस चावल को ऐड करना है और इसे ये जो प्याज का मसाला है उसके साथ अच्छे से भून लेना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक हमें इसे भूनना है। इसे बहुत ज़्यादा भी भूनना नहीं है, 1 लिमिट तक ही इसे फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक के बाद यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड किया है। ये मेरा घर का बनाया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेडीमेड गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हो। गरम मसाला डालने के बाद इसमें मैंने बारीक काटा हुआ धनिया और पुदीना वापस से डाला है। ये डालने से इसका स्वाद एकदम बढ़िया आता है। अब हम जिस कटोरी से चावल लिए थे उसी कटोरी से इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने 2.5 कटोरी चावल लिया था, इसमें मैं 4.5 कटोरी पानी डालूंगी। 4.5 या 5 भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चावल थोड़ा छुट्टा छुट्टा अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने थोड़ा पानी कम डाला है। वैसे इसमें 5 कटोरी भी पानी बराबर होता है। अब इसमें 1/2 नींबू का जूस ऐड करेंगे। नींबू से इसमें टेस्ट तो आती है और चावल भी खुला खुला बनता है। अब एक बार मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसके 3 सीटी ले लूंगी। कुकर ठंडा होने के बाद ही हमें खोलना है और एक छोटे बर्तन में थोड़े काजू हमें घी में फ्राई कर लेने हैं और चावल में ऊपर से डालने हैं। अगर आप चाहो तो ये जब प्याज फ्राई करते हैं उस वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऊपर से डालना और अच्छा लगता है क्योंकि ऊपर से ये घी का छौंक भी इसमें लग जाता है। देखिए अपना चावल अभी रेडी है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और बेल आइकन की घंटी दबाना नहीं भूलना। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।